हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुस के में। हम चैनल उपचानुस के में रोज एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल उपचानुस के को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे। साथ हमेशा रखते हैं रुमाल तो भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने साथ हमेशा ही एक रुमाल रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमेशा जेब में रखे जाने वाला रुमाल भी व्यक्ति के भाग्य में अच्छा व बुरा प्रभाव डालता है। अगर आप भी हमेशा अपने पास रुमाल रखते हैं तो आपको रुमाल से जुड़ी 6 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बिना धोए एक ही रुमाल रोजाना प्रयोग ना करें। जेब में हमेशा रखे जाने वाले रुमाल में भी कई तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव वॉइस आ जाती है। बिना धुले रुमाल या गंदे रुमाल को जेब में रखने से रुमाल पर मौजूद नेगेटिविटी आप पर बुरा असर डाल सकती है। कभी भी अपना रुमाल किसी भी अन्य व्यक्ति को देने की भूल ना करें और ना ही खुद किसी भी व्यक्ति के रुमाल का इस्तेमाल करें। यदि आप हमेशा ही अपने पास एक रुमाल रखते हैं तो रुमाल को 4 से 6 बार फोल्ड करके ही रखें, क्योंकि ये अंक कार्य में सफलता और लाभ के लिए शुभ माने जाते हैं। ध्यान रखें, जेब या पर्स में रखे जाने वाले रुमाल को कभी भी 3 या 5 बार फोल्ड करने की गलती ना करें। ऐसा करना आपकी असफलता का कारण बन सकता है। रुमाल से व्यक्ति की सभी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जुड़ी होती है। ऐसे में दूसरे व्यक्ति को रुमाल देना या उनसे लेना आपको भारी नुकसान करा सकता है। जेब में हमेशा रखे जाने वाले रुमाल में पेन या पेंसिल से कुछ भी लिखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से आपका अपने कार्य के प्रति फोकस हट सकता है, इसलिए रुमाल पर पेन या पेंसिल से कुछ भी लिखने से हमें बचना चाहिए। जेब या पर्स में रखे जाने वाला रुमाल हमेशा ही लाइट रंग का चुने। ज्यादा डार्क कलर के रुमाल रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे मन अशांत रहता है और साथ ही आपको लगातार खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन रुमालों को आप हमेशा ही अपनी जेब में रखते हैं उन्हें लेकर याद रखें कि उन रुमालों में ज्यादा छेद ना हो, और ना ही ऐसे प्रिंट वाले रुमाल जेब में रखें जिस पर ज्यादा डिजाइन हो। फ्रेंड्स, अगर आपको यह सभी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।